पठान का टीजर स्टार्ट करती हैं कुछ बातें और किंग खान को बना देती हैं बहुत पुराना खतरनाक डॉन, जिसे ना कभी किसी ने देखा और ना ही कभी किसी ने पकड़ा। फिर अचानक एंट्री होती है किंग खान यानी पठान की और दिखते हैं काफ़ी सारे फाइट सीन, एक खतरनाक सी बंदूक और भागते हुए पठान। फिर आती है दीपिका पादुकोण ने, जिनकी एंट्री कमाल की थी और उनके एक्सप्रेशन भी कमाल के थे, और उनको देख के रेस मूवी की याद आ गई मुझे, और साथ में याद आई रेस की उनकी चालाकियां जो कि एक्सप्रेशन के साथ कमाल की लग रही थी। फिर आते हैं जॉन अब्राहम, जिनकी एंट्री मुझे थोड़ी फीकी सी लगी और उनके फेस पे कोई ख़ास एक्सप्रेशन नहीं दिखे मुझे। VFX फिल्म के अच्छे हैं और म्यूज़िक की बात की जाए तो वो भी बहुत अच्छा है, म्यूज़िक पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज है 2 नवंबर और आज शाहरुख खान का 57वां जन्मदिन है और उनकी फिल्म पठान का टीज़र आज लॉन्च हो गया है। पठान का टीज़र लॉन्च करते वक्त उन्होंने कैप्शन में लिखा है, कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, पठान का टीज़र आ गया है। शाहरुख खान 4 साल बाद बॉक्स ऑफिस पर कदम रखेंगे। उनकी फिल्म पठान 25 जनवरी 2023 को रिलीज़ होगी और इसको डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने।